हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप सभी का आज के मैथ क्लास में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 ऑफ क्लास 10th। बेटा, पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कर चुके हैं। वह हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया था और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व किया था और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दो मेथड हमने किए थे। जैसे कि हमने बताया था आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम तीन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और नंबर 3 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तीनों मेथड हम कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन गिवन है और ये हमने रूट्स फाइंड आउट करने, यानी कि इस इक्वेशन को सोल्व करने। तो जैसे पार्ट फर्स्ट है, x माइनस 1/x इक्वल टू 3। सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आ जाएगा बेटा x। अब एलसीएम को डिनोमिनेटर से नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे तो x ही आएगा, फिर x इंटू x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को एक्स से डिवाइड करेंगे 1, तो ये 1 एज इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3x। अब देखिए, ये हमारी LHS और ये RHS है, हमने दोनों का इकट्ठा LCM लिया, LHS RHS का, इसलिए LCM क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास बची एक्स की है, प्लस 3x इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 3x, और ये माइनस 1 इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अभी अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन से भी सोल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सोल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। सबसे ईजी क्या होता है? सबसे ईजी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला सभी बच्चों को लर्न होना चाहिए। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ए बी सी की वैल्यू क्या होती है? जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो यहाँ a क्या है? कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या है? कोफिशियंट ऑफ x, और c क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म। तो बेटा देखिए, यहाँ इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। माइनस बी माइनस, और b की वैल्यू क्या है? माइनस 3 है, ठीक है? कोफिशियंट ऑफ x माइनस 3, प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू क्या होगी? कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ क्या है कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर? 1 a, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 1 बाय 2a, 2 इंटू 1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस 3, प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर, नेगेटिव की पावर इवन नंबर, तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9। फिर माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस और बाय 2, तो ये आ जाएगा बेटा 3 प्लस माइनस रूट 13 बाय 2। अब हम इसको लिखेंगे, जो रूट्स हैं रूट्स क्या आ जाएंगे? 3 प्लस रूट 13 बाय 2 और 3 माइनस रूट 13 बाय 2। एक बार तो हमने रूट 13 को प्लस का लिया और एक बार क्या ले लेंगे? माइनस का। दीज आर रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ऐसे बेटा हमारा सेकंड पार्ट है इस सिस्टम का। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद फिर जो इक्वेशन बनेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 11 क्वेश्चन हैं और
इलेवन में से इलेवन के इलेवन ही वेरी एंड वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ए क्वेश्चन जरूर 100% एग्जाम के अंदर आते हैं, HBSC हो या फिर CBSE हो, ए क्वेश्चन तो जरूर से जरूर आएगा। सो दीज एक्सरसाइज दिस एक्सरसाइज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए बेटा, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3। एज का सम है और कैसी एज? रेसिप्रोकल। ठीक है, दो बातों का यहां जिक्र हुआ है, 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल टू एक्स ईयर्स। फिर यहां दो कंडीशंस हैं, दो बातों का जिक्र हुआ है, एक है 3 ईयर एगो और एक 5 ईयर फ्रॉम नाउ। तो लिखेंगे 3 ईयर एगो एज ऑफ रहमान क्या हो जाएगी? एक्स माइनस 3, एगो मीन्स पहले, फिर लिखेंगे 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ एज ऑफ रहमान इक्वल टू एक्स प्लस 5 ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3। रेसिप्रोकल एज का जो रेसिप्रोकल उसका सम 1/3 है। जैसे 3 ईयर एगो इज के एक्स माइनस 3, रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x-3। 5 ईयर फ्रॉम नाउ एज क्या है? एक्स प्लस 5, रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x+5। और फिर इन दोनों का सम इज इक्वल टू 1/3। ये 1/3। जैसे कि बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखो, ऐसा ही होगा ना, वैसे एलसीएम लेके हम सोल्व करेंगे, यहाँ भी बिल्कुल सेम वैसे ही हम एलसीएम लेंगे फिर इसको सोल्व करेंगे। देखिए कैसे, एलसीएम ले लेंगे, क्या है एलसीएम? नीचे वालों की सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × x-3 और x+5, ये एलसीएम आ गया। x-3 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 3 × x+5, फिर x+5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × x-3 और इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा? 3 से डिवाइड करेंगे तो x-3 और x+5। अभी एलसीएम क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, अब ऊपर हम सोल्व करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 3x+3 × 5 = 15 प्लस, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो 3x-9 इक्वल टू, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इन दोनों टर्म्स के, x × x की फिर 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5x, फिर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स की तो क्या आ जाएगा? -3x और 3 × 5 = 15, माइनस का 15। यहाँ देखिए LHS साइड जो हमारी लेफ्ट साइड है, 3x + 3x क्या हो जाएगा? 6x प्लस 15 माइनस 9 क्या हो जाएगा? 6 इक्वल टू x² प्लस 5x माइनस 3x क्या बचेगा? प्लस 2x और ये माइनस 15 एज इट इज। अब ये तो टू टर्म्स हैं लेफ्ट साइड में, हम इनको राइट साइड में ले जाते हैं, ये राइट साइड वाली एज इट इज x² प्लस 2x माइनस 15, ये ऐसा कैसा? प्लस 6x है तो ये आ जाएगा माइनस 6x प्लस 6, ये हो जाएगा माइनस 6 इक्वल टू 0। x² प्लस 2x माइनस 6x बेटा क्या बचेगा? माइनस का 4x, फिर यहाँ माइनस 15 और माइनस 6 क्या बचेगा? माइनस 21 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसको हम सोल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर लेते हैं।
मिडिल टर्म क्या है, मिडिल माइनस फोर एक्स, मिडिल टर्म के हम फैक्टर्स करेंगे, और कैसे फैक्टर्स, कि सम यही मिडिल टर्म आए और मल्टीप्लाई क्या आए, फर्स्ट और थर्ड की प्रोडक्ट के इक्वल आए। तो जैसे 7 माइनस 3 4 बचेगा, और 7 3 जा 21, तो यहाँ एक्स के माइनस 7x हो जाएगा और प्लस 3x, क्योंकि ऐड करेंगे माइनस 7 प्लस 3 को ऐड करेंगे तो माइनस 4 ही बचेगा सब, और प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, माइनस 21x2। ये फैक्टर्स। फिर अब क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन ले लीजिए, जैसे यहाँ क्या कॉमन आएगा, फर्स्ट टू टर्म में से एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 7। फिर बेटा आगे हमने ये सेम ब्रैकेट बनानी है, तो हम क्या करेंगे, प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं, प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, यही एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स वैल्यू क्या आई, माइनस 3, और यहाँ से एक्स वैल्यू क्या आई, प्लस 7। अब एक्स क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, तो बेटा एज तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, इसलिए इस माइनस 3 को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, तो एक्स वैल्यू क्या आई, 7। सो दिस इज आंसर, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान क्या आ जाएगी, 7 ईयर्स। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। सम ऑफ सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। दोनों सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं उनका सम है 30। फिर आगे क्या कहा, हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मोर इन मैथ्स, मैथ्स में 2 मार्क्स मोर हो, ज़्यादा आ जाएं 2 मार्क्स, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स क्या आ जाएं, कम आ जाएं, लेस। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बिन 210। उनके मार्क्स की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 210 हो जाएगी। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट मार्क्स ऑब्टेंड इन मैथ्स इक्वल टू एक्स, सिंस मार्क्स ऑब्टेंड इन इंग्लिश क्या हो जाएंगे, इंग्लिश में 30 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम कितने हैं, 30 है। फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, हैड सी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, मैथ्स के अंदर 2 मार्क्स मोर यानी कि एक्स प्लस 2, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, 3 लेस, तो 3 लेस करेंगे तो क्या बचेगा, 27 माइनस एक्स, देन प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। उसके मार्क्स की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 210 हो जाएगी। तो अब इस प्रोडक्ट को, इस मल्टीप्लाई को हम सोल्व कर लेंगे, एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ, 27x, माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 माइनस 2x और इक्वल 210। माइनस एक्स स्क्वायर इसको हम पहले ले लेते हैं, ये माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2x और प्लस 27x क्या हो जाएगा, प्लस 25x, प्लस 54 है ही, इरा के ये हो जाएगा माइनस का 210 इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 54 और माइनस का 210। तो यहाँ से क्या बचेगा बेटा, माइनस का बचेगा, और क्या बचेगा माइनस का, 156 इक्वल टू 0। अब देखो स्टार्टिंग में माइनस आई हुई है, जैसे माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, जैसे यहाँ से माइनस कॉमन लिया,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x हो जाएगा। माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज होंगे, जैसे नेगेटिव वाली जो टर्म थी पॉजिटिव, पॉजिटिव वाली क्या हो जाएगी नेगेटिव, और यहाँ क्या आ जाएगा फिर पॉजिटिव हो जाएगा, ये इक्वल टू जीरो। अब ये माइनस जो है जीरो के पास जाके क्या हो जाएगी, जीरो ही हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू जीरो। अब फिर हम इस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे सम तो क्या है, माइनस का 25 है सम, और प्रोडक्ट प्लस 156। अब सम नेगेटिव है और प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो दोनों फैक्टर्स कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव का सम तो पॉजिटिव आ जाएगा, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, सॉरी नेगेटिव नेगेटिव का सम नेगेटिव आ जाएगा और प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ फैक्टर्स हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x और माइनस 12x, जैसे ऐड करेंगे तो माइनस 25x ही आ जाएगा, और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, प्लस 156 आ जाएगी। फिर फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, x की वैल्यू आने के बाद में मार्क्स ऑफ ट्रेनिंग मैथ्स आ जाएंगे, उसके बाद फिर 30 में से लेस कर देंगे, वो इंग्लिश के आ जाएंगे। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। अब इस वीडियो के अंदर हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। आशा है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, ये सब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो जिन जिन बच्चों के ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना, तथा और जो हमारे यूट्यूब चैनल हैं SGS मिलकपुर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, और फिर भी अगर तुम्हारा कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य राइट करना। थैंक यू क्लास।